सीरिया में आरडीएफ की एयरस्ट्राइक हुई, हिजबुल्ला की राडवान सेना पर बमबारी की गई, सैन्य डिपो और कमांड सेंटर पर हवाई हमला किया गया। ये देखिए, और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया में भीषण बमबारी की है, हिजबुल्ला के सैन्य डिपो पर हमला हुआ है। सीरिया के होम्स शहर के अल कुसैर इलाके में बमबारी की गई, 12 घंटे से हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो इजरायल की तरफ से ना सिर्फ लेबनान में लगातार बारूद बरसाया जा रहा है हिजबुल्ला के ठिकानों पर, बल्कि सीरिया की बात करें तो ये तस्वीर सीरिया की, जहां पर होम शहर के अल कुसैर इलाके, और बताया जा रहा है कि यहां पर भी हिजबुल्ला ने अपना गढ़ बना रखा है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना पहुंची दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, यहां पर हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ गन फाइट हो रही है, हिजबुल्ला के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देखिए आप, और लेबनान में इजरायली सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ, कफर किला में इजरायली काफिले पर हमला किया गया, मिसाइल हमले में 12 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे आईडीएफ के सैनिकों पर यह अटैक किया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान किस तरह से आमना सामना हो रहा है हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला ने हमला किया, रिटेलिएशन, इसराइल के मेठुला में रॉकेट अटैक किया गया, खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला किया गया है, रॉकेट अटैक में 7 लोगों की मौत हो गई। तो ये चिंताजनक इसलिए क्योंकि जो लोग, आम लोग वहां पर, दावा इस बात का है जो खेत में काम कर रहे थे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तरी इसराइल की तस्वीर है जहां पर हिजबुल्ला की तरफ से हमला किया गया और मेठुला में रॉकेट अटैक किया गया, जो इसराइली लोग खेत में काम कर रहे थे, 7 लोगों की मौत हो गई इस हमले में। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बड़ा हमला हुआ, हिजबुल्ला का इजरायली मिलिट्री यूनिट पर यह हमला हुआ है, हिजबुल्ला के हमले में मिलिट्री बेस को काफी नुकसान हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। तो यह देखिए तस्वीर आपको दिखा रही है, इजरायली मिलिट्री यूनिट पर हमला किया गया हिजबुल्ला की तरफ से, तो हिजबुल्ला भी अपनी तरफ से बड़े जवाबी हमलों को अंजाम दे रहा है और बड़ा नुकसान इसमें इजरायल को हो रहा है।